नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे एन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ निशा। निशा तब मौजूद है हल्द्वानी के एक निजी बैंक्वेट हॉल में, जहाँ मोनिका और अंजलि की तरफ से डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। महिलाएं काफी उत्साहित यहाँ पे नजर आ रही है। सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस डांडिया नाइट में पहुंची हुई है। क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है, अगर मैं आपको बताऊँ तो आज इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल चाइल्ड को इनके द्वारा बुलाया गया है और महिलाएं डांडिया के जरिए यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। चलिए बात करते हैं महिलाओं से, जानते हैं कितने एक्साइटेड वो हैं और कितने जरूरी इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए होते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मिसेज अंजलि तिवारी। मैम, जिस तरह से आपकी ओर से आज डांडिया नाइट आयोजित यहाँ पे की गई है, महिलाएं काफी एक्साइटेड नजर आ रही है, किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है, जैसे हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमने कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें भी रखी है ना, जैसे रोशनी सोसाइटी से हमने बच्चों को भी बुलाया है, हम उसका भी सम्मान करेंगे। हमने कुछ जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स निकाले हैं, बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, तो महिलाएं काफ़ी एक्साइटेड है और काफ़ी तैयार होकर आई है। अब देखो क्या होता है। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? मैं मोनिका शर्मा। जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम आप लोगों की ओर से आयोजित यहाँ पे किया गया है, महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, जितना हमें रिजल्ट मिला है इसका और जितना उत्साह सब में दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद दोलिया जी मौजूद है। सर, जिस तरह से आज आप गरबा नाइट में शिरकत आपने करी है, यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? बहुत अच्छा लग रहा है। हल्द्वानी में सारी लगभग बहुत महिलाएं यहाँ पे गरबा का जो है आयोजन किया गया है बैंक्वेट हॉल में, ये बहुत सराहनीय कार्य है। जो ये गरबा का हमारे देश में गुजरात में खास कर ये मनाया जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे देश के सभी राज्यों में और इसी क्रम में हल्द्वानी में भी आज इस कार्यक्रम में बड़े हर्षोल्लास से गरबा का आयोजन, डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा सभी महिलाएं बच्चे पुरुष जो इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार ले रहे हैं, उन सबका इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा इसमें ले रखी है महिलाओं ने, महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने कितने जरूरी है? बिल्कुल, महिलाओं को घर में महिलाओं के लिए इस प्रकार के आयोजन कई जगह पर होते रहने चाहिए, जिससे आदमी महिलाएं घर में रहकर और बाहर इस प्रकार के आयोजन होंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मुख्य अतिथि बेला तोलिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम मोनिका जी और अंजलि जी के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? आपने खुद यहाँ पे शिरकत की है जी। अंजलि और मोनिका शर्मा जी द्वारा यहाँ पर बहुत ही गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी महिलाएं और बेटियां हमारी बहुत सज धज के आई हुई हैं और यहाँ डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है और मैं अंजलि और मोनिका जी की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारे गुजरात और राजस्थान का गरबा डांस है। क्योंकि नवरात्रि में जो है गुजरात में बहुत ही इसका जो त्यौहार बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है, तो वहाँ की थीम में यहाँ पे भी बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। तो मैं जे जे एन न्यूज द्वारा भी पूरे इन महिलाओं को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनको नवरात्रि की और आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह से महिलाएं यहाँ पे एक्साइटेड नजर आ रही हैं, गरबा कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं, महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने ज़रूरी हो जाते हैं? जी देखिए, महिलाएं जो हैं कुछ तो वर्किंग होती हैं, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, वो घर से नहीं निकल पाती हैं, और जो वर्किंग भी होती हैं घर आकर बहुत बिजी रहती हैं, तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें एक उत्साह रहता है, एक एनर्जी आती है। तो इस तरह के कार्यक्रम हमारे हल्द्वानी शहर में होते रहते हैं अब, क्योंकि जागरूक हो गए हैं लोग और महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है, उनमें उत्साह रहता है, उनमें ऊर्जा आती है। इस वक्त हमारे साथ शमशाद पिथौरागढ़ी मौजूद है। सर, जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हुए हैं, तमाम चीज़ें आपके द्वारा बनाई गई हैं, चाहे मैं सेल्फी पॉइंट की बात करूँ, महिलाओं में खासा उत्साह इसको देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे भी सौभाग्य है कि आज मुझे डांडिया रास में ये करने का मौका मिला है मोनिका मैम की तरफ से, तो इसके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लोग फोटो खिंचा रहे तो तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हैंडमेड है और कुमाऊनी संस्कृति दिख रही है इसमें। अगर मैं सेल्फी पॉइंट की बात करूँ तो कितना टाइम इसको बनाने में लगा? एक दिन लगा था मुझे। एक दिन लगा था। और इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो कितनी होगी? ये 7 फुट की है। 7 फुट की है।
अगर पूरे डांडिया नाइट में और आकर्षण के केंद्र आपके द्वारा बनाए गए हैं वो क्या क्या है? स्टेज की तरफ डेकोरेशन किया है, मंदिर का जहाँ पे माता रानी की मंदिर बनी हुई है दुर्गा पूजा, तो वो पूरा मेरी तरह की जो डेकोरेशन है। बाकी पेड़ के नीचे जितना भी डेकोरेशन है, रिसेप्शन का ये जितना भी गेट का एरिया है, सारा डेकोरेशन मेरी तरफ से। तो ऑलमोस्ट डेकोरेशन आपके द्वारा, मेरे द्वारा किया गया है। जिस तरह से बहुत एक्साइटेड यहाँ पे सेल्फी पॉइंट को लेकर देखने को मिल रहे हैं, इसको देखकर कैसा लग रहा है कि मेहनत सफल हुई? हाँ, मेहनत सफल हुई। मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन मॉर्निंग से जब से लगा है ये, जो भी लोग आ रहे हैं एक बार फोटो जरूर खींच रहा है यहाँ पे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम नीतू रौतेला, मैं सारथी सहयोग समिति से हूँ, अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले कहना चाहूंगी आप बेहद ही सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आज इस तरह से इतना भव्य डांडिया का कार्यक्रम आयोजित कराया गया है अंजलि और मोनिका जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रयास है, और अंजलि भी मेरी संस्था में ही है, सारथी सहयोग समिति में, तो इसीलिए सारथी सहयोग समिति इसमें कोई स्पॉन्सर है, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा हुआ है, और मैं कहीं जा नहीं पा रहे थे, अभी यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। गुलाबी शरारा के कोरियोग्राफर अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज में। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग आए हैं डांडिया रास में, काफी अच्छा लगा है, और जेजेएन में पहले भी आप लोगों को इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो जेजेएन न्यूज के साथ आज हम फिर से डांडिया रास में है, तो अच्छा लग रहा है। आज महिलाओं को देख के कैसा लग रहा है? महिलाएं एक्साइटेड नजर आ रही है, मजा आ रहा है, क्योंकि ये भी एक हमारा जो कल्चर है, कल्चर दिस इज पार्ट ऑफ हमारा इंडिया का एक कल्चर, ये भी आता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी आया यहाँ पे, और दो झलक हमने भी अपनी पहाड़ी की दिखाई, तो एक कॉम्बो हो गया, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं गरबा से ज़्यादा आपके गानों पे तिरकती हुई नजर आई हमें। बिल्कुल, पहाड़ी गानों की बात ही अलग है, पहाड़ी गानों की वाइब ही अलग है, क्योंकि देखो हम तो पहाड़ी हैं और पहाड़ी कल्चर के लिए काम करते हैं, तो हमें तो जहाँ पहाड़ी गाने बजते हैं तो फिर एक अलग ही गूज़बम्स आते हैं बॉडी से, तो मजा आ रहा है, बट आज यहाँ पे भी मजा आ रहा है। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? दीपा गुप्ता। मैम, जिस तरह से आज इतना भव्य डांडिया नाइट का आयोजन यहाँ पे किया गया है, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित है, मैं तो 5 बजे से यहाँ पर आई हुई हूँ, और खूब मजा आ रहा है गरबा और डांडिया करने में। पहली बार ये प्रोग्राम करवा रही है मोनिका जी, तो बहुत ज्यादा मजा, हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो हम तो डांडिया खेलने जा रहे हैं। घर जाने की चिंता है आज? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, माता रानी के नौ दुर्गे चल रहे हैं, तो हम लोग डांडिया खेलेंगे, जम के खूब मस्ती मचाएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? रिंकी गुप्ता। मैं पूरी आज सज-धज के तैयार होकर यहाँ पे आई हुई है, कैसा लग रहा है पहुँच के? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पूरे डांडिया नाइट में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? आपको बस एंजॉय करना है, डांडिया नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी का दिन है, एंजॉय करना है। आज पूरा आप इतने अच्छे तैयार हुए, कितने घंटे लगे तैयार होने में? 1 घंटा। 1 घंटा लगा। आज घर जाने की चिंता है या घर वाले संभाल लेंगे? नहीं नहीं, घर वालों को बोल के आई हूँ, मतलब फुल एंजॉय होने वाला, फुल एंजॉय। महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी लगते हैं? मतलब अच्छा लगता है, टाइम निकालते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। मैं वो ऐसा मौजूद है। हाय मैम। हेलो, आपका नाम? शीतल शर्मा। जिस तरह से आज महिलाएं सारी यहाँ पे डांस फ्लोर पे आ गई, आपने खुद डांडिया यहाँ पे करा है, कितना मजा आया? बहुत मजा आया, हमने जब से ही प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी तब से हम खूब धूमधाम से, मतलब सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत टाइम पहले से तैयारी कर रहे थे, और आज फाइनली ये दिन आ गया है, देख कर कैसे लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत एक्साइटेड भी थे। साल भर में कितने ऐसे कार्यक्रम कितने महिलाओं के लिए होने चाहिए आपको लगता है? ये मतलब नवरात्रि के टाइम पर ये होना ही चाहिए, महिलाओं के लिए एक माता का प्रोग्राम है, होना ही चाहिए, वैसे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है काफी। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, बेहद ही सुंदर सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, आपसे बात करेंगे। हाय मैम। हेलो, आपका नाम? रजनी। मैम, बहुत ही सुंदर यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, डांडिया नाइट में आज आप यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है? बहुत इंजॉय हो रहा है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मस्ती हो रही है। अच्छा, रात होने वाली है, घर जाने की कोई दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, फ्री होके आए इसलिए। आज पूरे दिन इंजॉय करना है? जी 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 जी, जब तक डांडिया नाइट रहेगी तब तक इंजॉय करना है। थकान लग रही है? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है मैम, अभी शुरुआत है जी, कंटिन्यू। अभी कितने देर से आप डांस कर रहे हैं? करीब 1 आवर हो गया, 1 आवर से कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो, पूरे पसीने से तरबतर आप हो गए। जी जी जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। डांस करा? हाँ। कौन कौन से गाने पे करा? लंदन के मक्का। हाँ। और मजा आया? हाँ। डांडिया करने में? कल स्कूल जाना है?
पीटीएम है, पीटीएम है, छुट्टी है मतलब। हाँ। अच्छा, ये सेल्फी पॉइंट बनाया, फोटो खिंचाई आपने यहाँ पे? हाँ। अच्छा लग रहा है पूरा? हाँ। हाय, आपका नाम? स्वर्णिका। स्वर्णिका, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी क्या चीज लग रही है? गाना। गाना, डांस करा आपने? कौन से गाने पे करा? बहुत सारे पे करा। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को हाय बोल दो। हाय, हाय, आपका नाम? मैं ना ठीक हूँ। अच्छा, आज आप यहाँ पे डांडिया पे पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, आपने डांस करा? आज अच्छी है। कितने गानों पे करा? पंजाबी। हाँ, पंजाबी और टोली। अच्छा, मजा आ रहा है मतलब फुल ऑन? हाँ, मजा है। घर जाने की टेंशन है? नहीं नहीं है। एंजॉय करेंगे फुल? ओके। हाय, हाय, आपका नाम? रिचा पांडे। अच्छा, आज आप डांडिया नाइट में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। कितनी देर से डांस कर रहे हैं? बहुत, अभी तो शुरुआत हुई है, हमारी फर्स्ट शुरुआत हुई है। फर्स्ट शुरुआत हुई है जी। अच्छा। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। ओके। हाय, हेलो, हेलो, मेरा नाम निकिता भंडारी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डांडिया खेलने के लिए। डांडिया खेलने के लिए आज अभी तो सुंदर बनकर आयो, किसने तैयार किया? बड़ी बुआ ने। बड़ी बुआ ने करा। कितनी देर में तैयार करा? मेकअप किया था। मेकअप किया था, कितने घंटे लगे? एक घंटा, आधा घंटा? रोशनी सोसाइटी में हम सबको सब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। शिवानी पाल मैम, हेमा मैम, योगेश सर, गुरानी सर। हाँ। उन सभी का धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद। अच्छा, आपको तैयार होने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा मैम। बहुत टाइम लगा। अच्छा, कुल मिला के मजा आ रहा है? हाय, आपका नाम? मेरा नाम माय नेम इज माया तिवारी। अच्छा, तो आज आप यहाँ पे पहुँचे हुए, बहुत सुंदर आपने ड्रेस यहाँ पे पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं शिवानी मैम से और हेमा मैम से और योगी सर से शुक्रिया करना चाहती हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं आई हूँ। हाँ, डांडिया खेला आपने? हाँ खेला मैंने, बहुत खेला। बहुत खेला है। घर जाना है या फिर यहीं रहना है? घर भी जाना है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मैं कामना प्रीति। जिस तरह से आज आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। डांडिया थोड़ा बहुत खेला, मैं ज्यादा देखने में इंटरेस्ट हूँ। अच्छा। तो देखने में ज्यादा मजा आता है, तो देख रही हूँ और बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, तो अभी शुरू हुआ है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से आज डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही काफी महिलाएं यहां पर उत्साहित नजर आई। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रमोद तोलिया और बेला तोलिया से हमने बात करी, साथ ही महिलाओं के साथ साथ स्पेशल चाइल्ड रोशनी सोसाइटी के बच्चों से भी हमने बात करी। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेएजेएन की खास रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं निशा हल्द्वानी, नमस्कार।